नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सभी YouTube के व्यूवर्स से माफी चाहूंगा कि आपके लिए काफी समय से YouTube में वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन अपना जो YouTube के साथ साथ अपना जो टीचमेंट एप्लीकेशन है उसमें लगातार हमारी क्लासेस हो रही हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश LT कमीशन या फिर LT टेट और PGT हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आपको हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ना है और उसके बाद आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर तो नहीं मैं कहूंगा, हो सकता है आपको इससे कोई सरोकार ना हो, लेकिन अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीजें जरूर सीखने को मिलेंगी। टीचमेंट के साथ का जो सफर रहा लगभग 1 साल होने को है और इस दौरान टीचमेंट ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज टीचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए की। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टीचमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक ऐसे दौर में जब कहीं ना कहीं पैंडेमिक का दौर था और बहुत सारे टीचर्स अपने जो प्रोफेशन से हाथ धो रहे थे, तो ऐसे वक्त में टीचमेंट ने टीचर्स का हाथ थामा और एक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन हमारे लिए प्रोवाइड की, जहां पर हम अपनी लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा सकते थे, टेस्ट वगैरह अपने बच्चों के ले सकते थे, अटेंडेंस का किसी प्रकार का कोई इशू नहीं था। ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को टीचमेंट ने अपने एक एप्लीकेशन के जरिए दूर करने की कोशिश की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया टीचमेंट का। और इससे पहले दोस्तों टीचमेंट की तरफ से हमें गोल्डन एजुकेटर का अवार्ड दिया गया था जब हमारे 500 जो आवर्स पूरे हुए थे, और आज लगभग हिंदी साहित्य वार्ता को अपने इस टीचमेंट प्लेटफॉर्म पर 1000 घंटे हमने अपने पूरे कर दिए हैं और टीचमेंट की तरफ से हमें डायमंड एजुकेटर का अवार्ड दिया गया है। और आज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खुशी का ये पल है, क्योंकि जब से हमने इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो शायद मुझे ये यकीन नहीं था कि इतने जल्दी समय, कम समय में जो है डायमंड एजुकेटर का अवार्ड जो है हमें मिल सकता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग ये एक्सपीरियंस रहा। तो आज मेरे हाथ में टीचमेंट की तरफ से ये एक प्यारा सा पार्सल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ें जो है डायमंड एजुकेटर को मिलती हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस अनबॉक्सिंग वीडियो को कंप्लीट करते हैं, तो बने रहिए हिंदी साहित्य वार्ता के साथ। तो आपके सामने मैं कर रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये, इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए ये, देखिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, यहाँ पर टीचमेंट लिखा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें यहाँ से इसको लगाया है रिबन को भी। चलिए अब इसको खोल देते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, एंड थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है क्या क्या चीज़ें हैं जो टीचमेंट हमारे लिए भेजा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं अभी। ये मैंने इसको साइड में रखा है और यहाँ पर ऊपर प्रोटेक्शन के तौर पर भेजा गया है, इसको भी साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टीचमेंट डायमंड एजुकेटर अवार्ड, नीचे मेरा नाम लिखा है और ऊपर यहाँ पर एक डायमंड अवार्ड हमें भेजा गया है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा ये लग रहा है देखने में। चलिए मैं इसको ऊपर निकाल के देखता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और रखी गई हैं। तो निकालते हुए भी थोड़ा सा इसको डर लग रहा है, कहीं टूट ना जाए। ये देखिए ये टैब है और पीछे इसमें कुछ लगाने के लिए भी है कि अगर आप इसको कील वगैरह के साथ लगा सकते हैं, बैक साइड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया टीचमेंट का इस प्यारी सी अवार्ड के लिए, फॉर कंप्लीटिंग 1000 आवर्स। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की ही टी शर्ट एक बार फिर से भेजी है यहाँ पर टीचमेंट ने, थैंक यू टीचमेंट। और यहाँ पर कुछ और चीज़ भी है इसके अंदर, देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर होगा आई थिंक डायरी, चलिए हाँ देखते हैं ये। अच्छा इस साइड से होगा ये, ये एक प्यारी सी डायरी टीचमेंट की तरफ से नोटबुक, देखिए छोटी सी है और बहुत ही सही और बहुत ही अमेजिंग ये लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर
टीचमिट की तरफ से कुछ और चीज भी हमें भेजी गई है, एक प्यारा सा पेन, इसमें भी टीचमिट का लोगो लगा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर सा, अमेजिंग। और टीचर के लिए इससे बेहतर मैं समझता हूँ कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि समय समय पर आप अपने टीचर को इस तरीके की कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है हमारा डायमंड एजुकेटर का, उसको रखा गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा करके देखता हूँ, खराब ना हो जाए। तो ये रहा यहाँ पर जो हमें टीचमेंट की तरफ से डायमंड एजुकेटर के अवार्ड का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से टीचमेंट का, एंड अपने उन सभी स्टूडेंट्स का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारियों को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। आज मैं समझता हूँ शायद अगर स्टूडेंट्स नहीं होते या फिर टीचमेंट नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें आज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मतलब टीचमेंट ने हमें काफ़ी अच्छा कर दिया है, टीचिंग को बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि टीचमेंट की अपनी एक लाइन है कि टीचमेंट में टीचिंग आसान है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि बहुत मैं समझता हूँ कि सही चीज़ टीचमेंट ने की है कि आप कहीं से भी अपनी क्लासेस लगा सकते हैं, चाहे आप घर में खाना बना रहे हों, चाहे आप अपना होम कुछ और चीज़ें कर रहे हो, बच्चों को देख रहे हैं या फिर कुछ दूसरी चीज़ कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कभी लाइव क्लासेस नहीं भी लगा पाते हैं तो हमारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा इसमें है उसके ज़रिए भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, अपने टेस्ट जो है इसमें हम कंडक्ट करवा सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बाद में भी टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग और प्यारा सफ़र रहा टीचमेंट के साथ। लगभग एक साल होने को है, 1 जून से स्टार्ट किया था, तो लगभग 10 महीने के अंदर अंदर ये टीचमेंट डायमंड एजुकेटर का अवार्ड हमारे पास पहुंचा है। तो वंस अगेन टीचमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उन सभी स्टूडेंट का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में सभी स्टूडेंट्स अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। साहित्य वार्ता के लिए आपका ये प्यार और ये स्नेह ऐसा ही बना रहा, तो उम्मीद है कि और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम बेहतर कंटेंट देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आप सभी दर्शकों का भी, टीचमेंट का भी और सभी स्टूडेंट्स का भी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।